जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे लेके जाएंगे एंड 16th ऑफ सितंबर से 30th ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि पीआईबी पे पब्लिश होते हैं। लास्ट सेशन में हमने पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए थे पीआईबी के। आज हम 16th से 30th सितंबर के करेंगे एंड जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम फर्स्ट 15th अक्टूबर तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि उसके बाद हम डे वाइज करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब पहली न्यूज़ थी हमारे पास राष्ट्रपति निलायम की। राष्ट्रपति निलायम टू होस्ट भारतीय कला महोत्सव, ठीक है, ये न्यूज़ थी। अब राष्ट्रपति निलायम, हम यहाँ पे न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि चार आपके पास ऑफिशियल रेजिडेंस आए, राष्ट्रपति निलायम सिकंदराबाद, उसके बाद राष्ट्रपति निवास आपके पास शिमला, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन सबको पता है दिल्ली, उसके बाद प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स के लिए खाली फोर्थ जगह है डेट इज कॉल्ड देहरादून, जहां पर पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स है, बट ये तीन आपको पता होने चाहिए, राष्ट्रपति निलायम, राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट न्यूज, श्री नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स मैन हॉकी टीम, फिफ्थ टाइटल उन्होंने जीता है अभी, ये इंपॉर्टेंट एफ कैट के लिए कौन सा टाइटल था, फिफ्थ टाइटल था मैंस हॉकी टीम फॉर विनिंग द एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024। सेकेंड न्यूज इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, पांचवा टाइटल जीता है। थर्ड किसको हराया है, चाइना को हराया है 1-0 से। नंबर फोर कहां पर मैच हो रहा था, हॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस इन हुलुनबुर चाइना, चाइना में ही हो रहा था। नंबर थ्री इज चाइना को चाइना में ही हराया एंड फिफ्थ टाइटल यहां पर जीता। उसके बाद हमारे पास अब देखते हैं कि उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी, भुवनेश्वर उड़ीसा में शुभाद्रा, शुभाद्रा जो कि एक लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक एक स्कीम है जिसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा वुमेन को यहाँ पर कवर किया जाएगा एंड इसके अंतर्गत क्या है हम डिस्कस करते हैं। अंडर दिस स्कीम द बेनिफिशियरी 21 टू 60 इयर्स, 21 से 60 साल की यहाँ पर जो बेनिफिशियरी होंगे उनको ओवर द पीरियड यहाँ पर 5 साल 50,000 रुपये दिए जाएंगे 2024 से 2028 के स्पैन के बीच में। क्या आएगा, 10,000 रुपये दिए जाएंगे जो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में आएंगे, 5,000 और 5,000, ठीक है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे जो कि आधार इनेबल्ड होगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल्ड बैंक अकाउंट होंगे उसमें यहाँ पर दो इंस्टॉलमेंट डाल दी जाएगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनिशिएटेड द फंड ट्रांसफर इन द बैंक अकाउंट ऑफ मोर देन 10 लाख वुमेन, ठीक है, शुभाग्रा स्कीम जो कि यहाँ पर सिंगल वुमेन सेंट्रिक लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम होगी। नाउ थर्ड न्यूज, आफ्टर मून एंड मार्स इंडिया साइट्स साइंस गोल ऑन वीनस, मून और मार्स के बाद अब इंडिया टारगेट कर रहा है वीनस के ऊपर भी, ठीक है। सबसे पहले तो स्पेस आपको पता है रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर आता है, 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो तीनों में फॉल नहीं करते हैं उनको रेजिडोरी कहते हैं एंड रेजिडोरी में यहां पर स्पेस आपके पास फॉल कर रहा है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन यहां पर अप्रूव्ड किया जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है हमारा टुवर्ड्स स्टडिंग द वीनस, मून और मार्स के बाद अब हम वीनस की तरफ यहां पर जा रहे हैं। वीनस जो कि क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, बिलीव टू हैव फॉर्म्ड इन द कंडीशन सिमिलर टू अर्थ, अर्थ की तरह ये फॉर्म हुआ है एंड यहाँ पर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्लेनेटरी इन्वायरमेंट जो है इवॉल्व हुआ है डिफरेंटली। तो मून और मार्स के बाद अब VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन की तरफ इंडिया यहाँ पे जा रहा है। अब इसका टारगेट क्या रखा गया है कि इस मिशन को अकम्पलिश करना है हमें ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ड्यूरिंग मार्च 2028, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है मार्च 2028। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर है वीनस मिशन से रिलेटेड ये सारे आपके पास निकल कर आएंगे एंड यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो फ्यूचरिस्टिक मिशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको इनेबल कर रहा है एंड ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट होगी इंडिया की इंडस्ट्री की इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल एंड स्पेस एयरक्राफ्ट। तो मार्च 2028 डेट याद रखा जाए, वीनस मिशन याद रखा जाए आपके पास, ठीक है, मून और मार्स के बाद। नाउ मिनिस्ट्री अचीव्स 100 डेज टारगेट ऑन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंपॉर्टेंट, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर 9 अप्रैल को
लास्ट ईयर 2023 में जब 50 ईयर पूरे हुए थे इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर को, जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन से इसमें आते हैं? दैट इज द टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। एंड इसमें से जो 5 बिग कैट्स हैं वो इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता, ये इंडिया में है। ठीक है, तो 7 में से 5 इंडिया में है, बहुत शानदार बात है इंडिया के लिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको लास्ट ईयर प्रोजेक्ट टाइगर के 50th ईयर की एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। नाउ वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह सर नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन गए हैं एंड ये 28th चीफ बन गए हैं इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट थी आपके पास कि 30 सितंबर को यहाँ पे 28th चीफ आते हैं अमरप्रीत सिंह सर, जो कि इस बार आप देखते हैं कि 92nd जब इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया यहाँ पे चेन्नई में मेरीना बीच के पास, आप देखते हैं उसमें, अपने चैनल पे भी वीडियो देखी होगी। ठीक है, यहाँ पर अमरप्रीत सिंह सर की, जो मैंने राष्ट्र सेवा चैनल पे डाल भी रखी है, बिकॉज इस बार मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा ही एक स्टूडेंट यहाँ पे लीड कर रहा था। ठीक है, जो कि अभी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर है। नाउ नेक्स्ट इज द क्वाड। अभी क्वाड की मीटिंग में गए थे प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है, 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। इसको क्वाड भी कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल डायलॉग भी कहते हैं, जो कि बेसिक एम क्या है इसका, कि यहाँ पर फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर को इंश्योर करना और रूल ऑफ लॉ को इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, दिस इज द टारगेट। ये सबसे पहले जो ग्रुप है क्वाड, इसको यहाँ पे मूड किसने किया था? जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे इन 2007। अभी रिसेंटली विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि विल्मिंगटन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, दैट इज द क्वाड। 6th मीटिंग थी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एंड 2025 की जो क्वाड की मीटिंग है वो इंडिया में होगी। नाउ क्या क्या चीजें हुई? विल्मिंगटन डिक्लेरेशन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वाड का कैंसर मॉनशूट, ठीक है, यहाँ पे मूनशूट या आपको पता हो, बेसिकली जो कैंसर का बर्डन है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर लाया गया। थर्ड आपके पास आया गया, दैट इज मैरिटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक। ये क्या है यहाँ पर? बेसिकली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ मैत्री। बेसिकली जितने भी चारों कंट्रीज हैं इनको यहाँ पर जितने भी क्वाड के इनिशिएटिव्स हैं, ये सिक्योर करेगा पानी को, इंश्योर करेगा वहां के लॉस को एंड ये अनलॉफुल बिहेवियर को डेटर करेगा। एंड इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो क्वाड 2025 की मीटिंग है वो इंडिया में होने जा रही है। क्वाड कंट्रीज यहाँ पे होस्ट करेंगे इनॉग्रल, जो मैत्री की पहली वर्कशॉप होगी 2025 की वो इंडिया में होगी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, जो कि 2025 में होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, इंटर ऑपरेटिबिलिटी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। क्वाड का इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क लॉन्च किया गया एंड क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। ये 6 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज फार एज द डिफेंस एग्जाम इज कंसर्न, बिकॉज इसी को मैं अगर यूपीएससी में जब करवाता हूँ तो आपको थोड़ा डीप में करना पड़ेगा हर एक पोर्शन को, बट यहाँ पर आपको इनिशिएटिव्स पता हो एंड डिक्लेरेशन पता हो, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स। पहली बार एक ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स जो है यहाँ पे शेड्यूल किया गया नई दिल्ली में अंडर द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। बेसिकली है क्या इसका एम? ये यहाँ पर सो डेट ऑफिसर्स को जितने भी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, जो भी मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है उसकी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से रूबरू हो जाए, इस कारण ये पहला ट्रायल सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ दिल्ली में। दिस इनिशिएटिव इज बाय द CDS मिस्टर दिस जनरल अनिल चौहान सर। एंड इसके अलावा इट देर विल बी अ रैंक एग्नोस्टिक कोर्स फॉर द मेजर जनरल टू द मेजर्स, मेजर जनरल से लेकर मेजर तक एंड देयर इक्विवेलेंट लेवल ऑफिसर्स फ्रॉम द अदर सर्विसेज, बिकॉज ये ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स है। ठीक है, इसकी नीड क्यों आई? बिकॉज जिस तरीके से आप देख रहे हैं रैपिडली मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग आ रहा है, ग्लोबल डायनेमिक्स लगातार चेंज हो रहा है, लगातार न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर रेडी, इस कारण ये कोर्स यहाँ पर दिल्ली में शेड्यूल करा गया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड राइनो डे। सितंबर 22 को वर्ल्ड राइनो डे था। अब यहाँ पर राइनो से रिलेटेड बहुत शानदार फैक्ट्स PIB ने यहाँ पे छापे थे। नंबर 1,
पहले तो आपको 22 सितंबर ही पता हो वर्ल्ड राइनो डे है। नंबर टू, जो इंडियन राइनो है वो इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री एशियन स्पीशीज एंड शेयर इट्स सिंगल हॉर्न कैरेक्टर्स विद द जावा राइनो। इंडियन राइनो लार्जेस्ट है जो तीन एशियन स्पीशी है एंड इसका जो सिंगल हॉर्न कैरेक्टर है वो जावा राइनो के साथ शेयर कर रहा है। उसके अलावा सुमात्रन राइनो हैज टू हॉर्न्स, ठीक है, अ ट्रेड लिंकिंग एशियन एंड अफ्रीकन राइनोस। तो इंडियन राइनो सिंगल हॉर्न, सुमात्रन राइनो टू हॉर्न्स। इंडियन राइनो कहाँ कहाँ पर है, ये ज्योग्राफी का एस्पेक्ट आपके लिए आ गया। आसाम में है, वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, नेपाल में है। ये चार प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर आपको इंडियन राइनोस देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। व्हाई प्रोटेक्ट द राइनो, ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं, जैसे हमने एलिफेंट का पढ़ा था, इकोसिस्टम इंजीनियर्स। इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे पर्टिकुलरली आसाम में, नो डाउट इको टूरिज्म, जॉब जनरेशन, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट आप देख रहे हैं, पीआईबी ने बहुत शानदार आर्टिकल यहाँ पे ये प्रिंट किया, व्हाई प्रोटेक्ट द राइनोस। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है, प्राइम मिनिस्टर लॉड्स इंडियन कंटिजेंट ऑन विनिंग गोल्ड ओपन में भी और वुमेन कैटेगरी दोनों में 45th चेस ओलंपियाड में। हम देखते हैं हिस्टोरिकल गोल्ड इस बार हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो कि दोनों के दोनों चीजों में इस बार ओपन में भी और वुमेन कैटेगरी में भी हमारा गोल्ड आता है चेस के यहां पर इवेंट पर। नेक्स्ट इज परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। अब यहां पे सबसे पहली चीज कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कि परम, परम जो है सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, एंड इनकी इंस्टॉलेशन तीन जगहों पर हुई है, तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, पुणे एंड कोलकाता। एंड इस वक्त यहां पर प्राइम मिनिस्टर जी ने इनोग्रेट करा अर्का एंड अरुणिका। यहां पर डायरेक्टली पूछा जा सकता है अर्का एंड अरुणिका इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। देखिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है जिनको वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए टेलर किया गया है, वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च, ठीक है, अर्का एंड अरुणिका, ठीक है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 1980 से। जैसे 22 सितंबर आपको पता हो वर्ल्ड राइनो डे, ऐसे ही 27 टूरिज्म डे, ठीक है। दिस डेट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूट इन 1970, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरी ईयर वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड विद अ स्पेशल थीम, इस बार क्या रखेगी, टूरिज्म एंड पीस। ये आपसे पूछा जा सकता है, थीम बेस्ड क्वेश्चन, टूरिज्म एंड पीस इस बार की थीम रखी गई है। उसके बाद 92nd एनिवर्सरी, इस बार तो मैंने इसकी लाइव वीडियोस और लाइव फोटोज आपसे शेयर भी करी, चैनल पे आप देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स की लगातार जो भी 92nd इस बार यहाँ पे सेलिब्रेशन करी गई है मैंने लगातार सारी की सारी शेयर करी है चैनल पर, ठीक है। एंड इस बार तो 28th आपके पास न्यू चीफ भी आए थे एयरफोर्स के, अमरप्रीत सिंह सर। नाउ इसके अलावा वायु वीर वजीता कार रैली थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम आपके पास, ठीक है, बट आपको ये जरूर पता हो कि इस बार कौन कौन से न्यू थिंग्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई इंडियन एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी पर। उसके बाद आप देखते हैं कि अभी लेटेस्टली मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड होता है सिनेमा की फील्ड में, जो कि इस बार 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है। आई होप दिस इज क्लियर। 1969 में यहाँ पे स्टार्ट हुए थे ये अवार्ड, उसके बाद यहाँ पर दादा साहेब फाल्के की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा के लिए, बिकॉज जो सबसे पहली फुल लेंथ फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र 1913, इसी कारण इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती जी को इस बार ये अवार्ड दिया गया। अगर हम बात कर ले तो विकीपीडिया पे आप देख रहे हैं 2022 के ये रेसिपेंट हैं। सबसे पहले रेसिपेंट देविका रानी, ठीक है, टोटल 54 अभी तक दादा साहेब फाल्के अवार्ड आ चुके हैं, देविका रानी फर्स्ट विनर। एंड 2022 यहाँ पे जो 2022 के रेसिपेंट है वो मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर हो गए हैं। किस लिए अवार्ड किए जाते हैं आप देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं, जिसमें गोल्डन लोटस शॉल यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिए जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज काजिन, नाम से पता लग रहा है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच की 8वां एडिशन ओली में। ओली कहां पर है, जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो उससे पहले जगह आती है ओली, उत्तराखंड जोशीमठ से पहले। कजिन
जो कि 2016 से एनुअली यहाँ पे ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है इंडिया और कजाकिस्तान की। लास्ट एडिशन इसका कजाकिस्तान में हुआ था 30 से 11 नवंबर 2023 में, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हो रही है लास्ट टाइम कजाकिस्तान, इस बार आप देख रहे हैं कि इंडिया में हुई है, जो हमारी सूर्य फॉरेन ट्रेडिंग नोड है ओली उत्तराखंड, ठीक है। दिस इज द 8th एडिशन। नाउ अब हमारे 16 से 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट पीआईबी के करंट अफेयर्स भी यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। पीआईबी के अलावा जो न्यूज़पेपर में चलता है, ठीक है, वो सब मैं हर रोज शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर डेली हम सेशंस यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा चैनल पर डाल देते हैं। ये वाले सेशन जो करंट अफेयर्स है वो खाली एंड खाली पीआईबी के हैं, सो दैट आपको न्यूज़पेपर के अलावा पीआईबी को पढ़ना ना पड़े, पीआईबी के सारे करंट अफेयर्स आपको इजीली राष्ट्र सेवा पे मिल जाए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15th ऑफ अक्टूबर के बाद से मैं हर रोज कोशिश करूंगा कि डेली बेस पे आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर की और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेली की डेली लाकर दे दूं। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।